जल्दी उतार सकता हूं सन स्माइलिंग सूरज मुस्कुराते हुए वी विल सी मुस्कुराते हुए कहता है हम देखेंगे कौन ज्यादा ताकतवर है आई विल लेट यू ट्राई फर्स्ट मैं पहले तुम्हें चांस दूंगा विंड पफिंग हिज चीक्स एंड ब्लोइंग हार्ड हवा अपने गालों को फुलाते हुए और जोर से हवा निकालते हुए वू कस वॉइस निकालती निकालता है मैन हाउ स्ट्रांग द विंड इज़ टूडे आदमी बोलता है आज हवा कितनी ते, कितना तेज चल रहा है इट इज़ ब्लोइंग माई कोट अवे ये मेरा कोट उड़ा के ले जाएगा आई मस्ट होल्ड इट टाइटली राउंड माई सेल्फ मुझे इसको मेरे कोट को टाइटली मतलब कस कर पकड़ना पड़ेगा विंड ब्लोइंग हार्डर हवा और तेज चलने लगी वू मैन पुलिंग हिज कोट मोर टाइटली आदमी ने अपने कोट को और तेजी से और जोर से कस के पकड़ा हाउ कोल्ड इट इज कितनी ठंड लग रही है विंड तब हवा बोली सन आई गिव अप आई कैन नॉट गेट हिज कोट ऑफ सन मैं हार गई मैं उसका कोट नहीं उतार पाई सन सूरज नाउ इट इज माय टर्न सूरज कहता है अब ये मेरी बारी है लेट मी ट्राई ही शाइन्स हार्ड अब मैं कोशिश करूंगा और वो बहुत जोर से तेज से चमकने लगा मैन वॉट अ फनी डे आदमी कहता है आज कितना फनी डे है कितना मजाकिया दिन है इट वॉज सो कोल्ड एंड नाउ इट इज सो हॉट कुछ देर पहले इतनी ठंड थी और अब इतनी ज्यादा गर्मी है सन शाइनिंग हार्डर सूरज और तेज चमकने लगा आई विल मेक हिम फील हॉटर एंड हॉटर मैं उसे फील कराऊंगा बहुत गर्मी मैन वाइपिंग हिज फेस आई मस्ट टेक ऑफ माई कोट आदमी अपना फेस अपना चेहरा पोसते हुए बोला अब मुझे अपना कोट उतार लेना चाहिए सन विंड आई हैव वन सूरज हवा से बोलता है मैं जीत गया आई हैव मेड हिम टेक ऑफ हिस्स कोट मैंने उसका कोट उतार दिया सम न्यू वर्ड्स आर ईयर रोड कोट क्विकली स्ट्रोंगर चिक्स वन रोड रास्ता कोट जो हम पहनते हैं ठंड में क्विकली जल्दी स्ट्रोंगर ताकतवर चिक्स गाल, वन जीतना रीड एंड राइट वॉट डिड द विंड डू टू गेट द मैंस कोट ऑफ हवा ने क्या किया आदमी के कोट को उतारने के लिए क्वेश्चन का मतलब है हवा ने क्या किया आदमी के कोट को उतारने के लिए आंसर द विंड स्टार्टेड ब्लोइंग वेरी हार्ड उत्तर है इसका हवा बहुत तेजी से चलने लगा सेकेंड क्वेश्चन वॉट डिड द सन डू टू गेट द मैंस कोट ऑफ उसके बाद सन ने सूरज ने क्या किया उस व्यक्ति का उस आदमी का कोट उतारने के लिए आंसर द सन स्टार्टेड शाइनिंग वेरी हार्ड सूरज बहुत तेजी से बहुत ज्यादा चमकने लगा थर्ड थर्ड क्वेश्चन हु वन इन द एंड कौन जीता आखिरी में आंसर द सन वन इन द एंड वो सूरज जीता आखिरी में फोर्थ क्वेश्चन फाइंड आउट टू एडजेक्टिव विथ ई आर इन द स्टोरी अब हमको कहानी में से कुछ ऐसे शब्द निकालने हैं जिसमें एडजेक्टिव लास्ट में ई आर er लगे एडजेक्टिव वर्ड का यूज हो आंसर है स्ट्रोंग strong का स्ट्रोंगर हार्ड hard का हार्डर हु सेट दिस टू हुम किसने किससे कहा ए आई कैन गेट हिज कोट ऑफ मोर क्विकली देन यू कैन मैं उसका कोट जल्दी उतार सकता हूँ तुमसे सेट द विंड टू द सन हवा ने पहले बोला किसे सूरज को आई विल लेट यू ट्राई फर्स्ट मतलब पहले मैं तुम्हें चांस दूंगा तुम कोशिश करो सेट द सन टू विंड सूरज ने हवा से कहा हाउ कोल्ड इट इज सेट द मैन आज कितनी ठंड है ये आदमी ने कहा आई गिव अप आई कैन नॉट गेट हिज कोट ऑफ सेट द वि टू सन मैं हार गया मैं उसका कोट नहीं उतार पाया यह कहा हवा ने सूरत से यूज अपोस्ट्रॉफिस इन द करेक्ट प्लेसेज इन दिस सेंटेंसेज अब आपको यहाँ एपोस्ट्रॉफिस यूज करना है जैसे कुछ शब्द ये हैं आई कैन गेट द मैंस कोट ऑफ इजिली तो मैंस को हम मैन का आदमी का तो उसमें हम अपोस्ट्रॉफिस यूज करके एस अलग से लिखेंगे मैंस एम ए एन देन एपोस्ट्रॉफी देन एस आई कैन गेट द मैंस कोट ऑफ इजिली सेकेंड वन सॉरी आई कांट कम सो अर्ली इसमें कैन नॉट दो हैं सी ए एन एंड नोटी तो ओ यहाँ पर हम ओ की जगह में एपोस्ट्रॉफ यूज करेंगे अपोस्ट्रॉफीज यूज करेंगे एंड वी विल राइट सी ए ए एन टी आई कांट कम सो अर्ली थर्ड वन डजेंट ही कम लेट यहाँ पर भी डज नॉट है तो उसको हम अपोस्ट्रॉफी यूज करके ओ हटा देंगे और एन के बाद एपोस्ट्रॉफी यूज करके एन टी लिखेंगे जैसा आप देख सकते हैं डी ओ ई एस एन टी डजेंट ही कम लेट फोर्थ वन एवरी वन लाइक्ड लताज सोंग तो यहाँ लता के गाने को सब पसंद करते हैं तो लता देन एपोस्ट्रॉफी देन एस लताज सॉन्ग दिस इज माई शर्ट इट इज वेरी कॉस्टली तो इट इज वेरी कॉस्टली की जगह हम आई टी एपोस्ट्रॉफी एस लगाते हैं और यहां पर आई हट जाता है तो ये हो जाता है दिस इज माई शर्ट इट्स वेरी कॉस्टली दिस इज योर होमवर्क स्टूडेंट फिल इन द ब्लैंक्स विद द कंपेरेटिव डिग्री ऑफ अंडरलाइन वर्ड्स कंपेरेटिव डिग्री आपको यहां पर लगाने हैं जो अंडरलाइन वर्ड्स हैं उनके उनसे कंपेयर करते हुए दूसरा वर्ड आपको यूज करना है तो कम्पेरेटिव डिग्री यूज़ करके आपको ऐसे लिखना है द सन इज हॉट बट इट इज़ हॉटर इन समर सन गरम रहता है पर ये गर्मियों में और ज़्यादा गरम हो जाता है तो इस तरह से बाकी के क्वेश्चंस भी आपको सॉल्व करने हैं कम्पेरेटिव डिग्री यूज़ करके तो आई होप आपको ये चैप्टर अच्छा लगा थैंक यू